कुछ डर नहीं लगता इस तरह आपको जो है वो धमकियां वगैरह मिलती है? मुझे इस तरह मतलब यार तुम क्यों बार बार आते हो यहाँ इंटरव्यू? ओए भाई इंटरव्यू में ही आ रहे हो? रुको तो सही, रुको, सॉरी, क्या कर रहे हो यार तुम पागल हो? खान बाबा, खान बाबा, खान यार, बस खान बाबा प्लीज यार, बस यार हम नहीं करते इंटरव्यू, और चुप कर जाओ, तुम पागल हो गए हो क्या? बंद कर इंटरव्यू। अच्छा बंद कर रहे हैं? नहीं करना, नहीं कर रहे, बंद कर दो यार, कैमरा बंद कर दो। मुनफरिद दिलचस्प और हैरतअंगेज वीडियोस को देखने के लिए 47 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उस रात मैं हूं 47 न्यूज के साथ और खान बाबा लाहौर में आ चुके हैं जी। बिल्कुल खान बाबा जो इस वक्त लाहौर में मौजूद है, तो हमने इन्हें पकड़ लिया, टाइम हमें नहीं दे रहे थे, पता नहीं आजकल थोड़े गुस्से में है, एक जगह और भी इनकी लड़ाई हुई है, ये देखे जी अभी हम इन्हें वहां से निकाल के यहाँ लेके आए हैं बातचीत करने के लिए। खान बाबा मुझे बताओ इतना गुस्सा क्यों करते हो, किस चीज का गुस्सा है आप में? मैं लाहौर आया हूँ, मैंने कहा कि आ जाओ स्पाइसी फूड खा लेंगे, चीजें खा लेंगे, यहाँ कोई छोड़ता ही नहीं है, बस कुछ तस्वीरें कुछ ये फरमाइशें, तो तंग हो गया, खाना नहीं खाया था, भूख लगी थी, तो बस सबको रेस्टोरेंट मार लिया। नहीं हाँ वो तो सब ये मेरे भी भूख गया। खान बाबा मुझे बताओ भी रेस्टोरेंट में भी इतना लड़के आए हो, मतलब आप डरते नहीं हो क्या? मतलब अगर अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है तो आप हर एक को मतलब धो दो के इस तरह? नहीं मैं मतलब प्यार भी बहुत लोगों के साथ करता हूँ। अच्छा। प्यार क्या ढा प्यार ढा प्यार अच्छे से भी रहते हैं, लेकिन अब क्या करें जमाना खराब हो गया। खान बाबा मुझे बताया कि आप दुबई जा रहे हैं, तो किस पे जाएंगे दुबई? मैं ढूंढ रहा हूँ ना कि किस में जाऊँ, हवाई जहाज के ऊपर बैठ जाता हूँ। नहीं सही वाला बताया कि दुबई जो जा रहे हैं तो जहाज पे जाएंगे? जहाज पे जाऊंगा। कुछ कौन से जहाज ने ये जुरत की है आपको पठाने की? है एक हिम्मत वाला जहाज। सही बताओ जब आप जहाज में बैठते हो तो वो तो नीचे रहता होगा, ऊपर होता ही नहीं होगा? नहीं वो कभी कभार ऊपर चढ़ जाता है, जब नहीं जाता तो फिर मैं उतर जाता हूँ। खान बाबा मुझे बताया कि आप दुबई जा रहे हो तो बुर्ज खलीफा ऊपर चढ़ जाएंगे? बुर्ज खलीफा यार मुझे डर लगता है ऊपर हाइट से। मैं ना अक्सर कमेंट पढ़ती हूँ, सारे कहते हैं कि ये आपकी बॉडी जो ये नकली है, ये बॉडी नकली है, तो मतलब क्या चक्कर क्या, ये वाकई नकली है? तो तुम मेरे कमेंट्स पढ़ने के लिए बैठी हो? मतलब ये अब ये इंडिया से बहुत इस तरह कमेंट आते हैं, मैं भी कभी कभार देखता हूँ, तो वो फर्क नहीं पड़ता, बस एज लॉन्ग वो देख रहे हैं बस हम खुश है, व्यूज आ रहे हैं हम खुश है उसमें। क्या बात है, तो मैंने सुना पिछले दिनों आपको बड़ी धमकियां भी इंडिया से आ रही थी। बहुत क्या हो, कैमरा ऑन है तुम्हारा, क्या मसला अभी यहाँ इधर? चले चले। अच्छा खान बाबा मुझे बताइएगा इंडिया से भी आपको बहुत ज्यादा धमकियाँ आती है? इंडिया से उनको पहले मैं धमकियाँ दे रहा था, उसका जो ग्रेट काली है उसको दे रहा था, तो फिर वो उसने जवाब नहीं दिया, अब वो धमकियाँ दे रहा है, अब मैं जवाब नहीं दे रहा। नहीं तो आप मुझे बताएं कि इस तरह कभी किसी की धमकी जो है वो सच साबित हो गई, जिस तरह आप जो है एक से लड़ते रहते हैं, तो आपको अपनी जान की परवाह नहीं है? नहीं इसमें मतलब अब अल्लाह ने एक वजूद दिए, ताकत दी है, तो क्या मैं किसी से डरूंगा, अब मैं भी डर जाऊं तो बड़ा घात नहीं लगाओ यार, मैं करता हूं, तुम जाओ खड़े हो जाओ यार कैमरे में, बड़ा जाओ खड़े हो जाओ, कर लेते हैं साफ कर लेते हैं, तो तुम उधर पहले कट करा के आया करो यार, बात कर रहे तुम मुझे इस तरह मतलब यार तुम क्यों बार बार आते हो यहाँ इंटरव्यू?
ओए भाई ओए भाई क्या हो गया तुम्हें क्या हो गया इंटरव्यू में आ रहे हो तुम उठो उठो कैमरा से हट जाओ उठो लड़की ने बचा लिया लड़की पर हम बटानाट नहीं उठाते वरना आज मैं तुम्हें दिखा था बार बार ही आ रहे हो किस चीज के लिए बुलाया मुझे तुम लोगों ने क्या यार कलीम तुम क्या कर रहे हो यार पागल हो यार खान खान बाबा प्लीज यार बस यार हम नहीं करते इंटरव्यू पागल हो गए हो क्या बंद करो इंटरव्यू अच्छा बंद कर रहे नहीं करना नहीं कर रहे बंद कर दो यार कैमरा बंद कर दो खान भाई बस प्लीज ना खान भाई बस मेहमान हो यार आप हमारे बस ना बैठ जा कलीम बैठ जाओ इधर बैठ जाओ वो मारेंगे और तुम्हें फिर खुश रहोगे पागल हो गए यार सारा इंटरव्यू तबाह कर दिया तुमने खान बाबा बैठ गए बस ना खान बाबा बैठो ना यार ये एलसीडी पानी लाओ खान बाबा बस सॉरी यार वो ऐसे वो कह रहा था कि आपका मुंह उस तरफ था वो इनको तरह अकल दिखा लो बार बार कट बोल देते इस तरह आने का क्या मतलब है? वो आपने इस तरह किया बता ना क्या मुझे आज तक अपने बाप ने भी नहीं टोका बात में और ये आता है मुझे बार बार टोकता है बात में उसने नया शुरू किया ना उसे पता नहीं है वो आप कैमरा उस तरफ वो देख पानी ले आओ यार पानी ले आओ कुछ भी नहीं कहा तुम अब बीच में आ गई मेरा गुस्सा अभी ठंडा कहा हुआ है ये अगर मुझे रास्ते पर मिल गया तुम देखो मैं इसका क्या हाल करता हूँ आप साफ सुफ करो फिर बात करते हैं क्या हो गया अब ऐसे तो अच्छा नहीं लगता सॉरी उसकी तरफ से सॉरी वो है बस उसे समझ नहीं आई उसने कहा कि मुंह उस तरफ काट लो आपको बस तीन बार आ गया एक बार भी दो बार भी तीन बार आ गया चले छोड़ खान बाबा मुझे ये बताएं कि शादी का क्या प्लान है आपकी नहीं करनी शादी वाली बिल्कुल शादी नहीं करनी इसकी वजह से नहीं बस गुस्से की वजह से इसकी वजह से खान बाबा उसे उसका सत्य कीमा गोश्त बता दिया इसे तो नहीं करनी आपने तो शादी नहीं करनी आपने उसे भी शादी के काबिल नहीं छोड़ा उसकी जलालत देख के कोई लड़की अब उससे शादी नहीं करेगी शुक्र है खान बाबा खुश हो गए अब तो नहीं गुस्सा करोगे नहीं बस अब नहीं करता पक्की बात नहीं करता अच्छा मुझे बताओ दुबई क्या करने के लिए जा रहे हो दुबई शो है मेरा वहाँ हाँ खान बाबा कोई ऐसा कोई बहुत ताकतवर रेसलर जिससे खान बाबा डरता हो डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं आपने देख लिया किसी से नहीं नहीं मैं मीडिया से नहीं डरते तो किसी से क्या अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी से खान बाबा मुझे बताया कि आपके कपड़े कौन सीता है इतने बड़े इतने हैवी कपड़े कौन टेलर आपके कपड़े सीता है वो मेरा अपना टेलर है हाँ वो किसी और का नहीं कर सकता सिर्फ मेरा लिए होता है दो महीने तो आपका एक जोड़ा सीने में लग जाते हैं एक महीना लगता खान बाबा गुस्सा नहीं होना पहले आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके हो इसलिए गुस्सा नहीं होना सवाल ये है मेरा सवाल नहीं है कुछ गलत किया तो इस बार तुम्हारी कैमरामैन का नंबर है इसे फुटका दो खान बाबा सवाल ये है कि एक कमेंट में पड़ी थी उसमें वो कह रहे थे कि सुई लेके खान बाबा को ऐसे करो तो हवा निकल जाए आज सुई लेकर आओ चेक कर लो खुद उसी लड़के को कहती हूँ कि सुई उसकी हवा तो मैंने निकाल ली
तेरे खाल में वैसे सुई अगर मारे तो कोई हवा वो निकल जाएगी। चेक कर लो ना खुद। 14 अगस्त के बारे से हमारी आवाम के लिए क्या पैगाम है? 14 अगस्त से यही पैगाम है कि अपने मुल्क का ख्याल रखे, हमारा मुल्क है, और अपने एजेंसीज का, फोर्सेस का ख्याल रखे। और 14 अगस्त आ रहा है तो लोग निकलते हैं, मस्तियां करते हैं, करें, लेकिन लिमिटेड में करें। अगर लिमिट से कोई बाहर चला गया तो खान बाबा आएगा और पटक पटक के मारेगा। ये पटक पटक के मारेगा, पटक पटक के मारेगा खान बाबा। और खान बाबा वाकई मारता होता है और बहुत ज्यादा मारता होता है, कसम उठा ले के बहुत ज्यादा मारता होता है। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद नहीं होगी। ये मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक इंटरव्यू था जो मैंने खान बाबा के साथ किया है। अल्लाह ताला इनकी भी हिफाजत फरमाए, मेरी भी हिफाजत फरमाए और मेरी टीम की भी हिफाजत फरमाए। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद नहीं होगी। अगली दफा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।